हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमाज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी वनीला आइसक्रीम, होममेड वनीला आइसक्रीम जो कि हमने बनाई है विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी व्हिप क्रीम। बहुत ही सिंपल और आसान से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो कि हमारे घर में भी अवेलेबल होते हैं। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुए हैं और बहुत ही टेस्टी, एकदम मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम सॉफ्ट क्रीमी बनके हमारी तैयार हुई है बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ़ कप मलाई है, हाफ़ कप यहाँ पे शुगर है और 1/4 कप मिल्क पाउडर है और 2 से 3 ग्लास हम ले लेंगे फुल क्रीम दूध। यहाँ पे फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो इसे ये थोड़ी सी क्रीमी बननी चाहिए हमारी आइसक्रीम। तो बॉयल होने के लिए दूध रख दिया है और यहाँ कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध हमने मिला के अलग से मिक्स कर लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो लम्प्स पड़ सकते हैं, इसलिए दूध कॉर्नफ्लोर को अलग से एक बॉल में हमने दूध के साथ मिक्स करके एक घोल बना लिया है। और जब इस दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें मिक्स करेंगे। तो इस वाले दूध में देखिए बॉयल आने आ गया है और अब ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए हमें इसे दूध में 2 से 3 बॉयल आने तक पकाना है। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर डालते ही हमारा दूध गाढ़ा होने लगता है और ये इसकी थिकनेस को बढ़ाता है और स्मूथ टेक्सचर भी आ जाता है। तो इसको 1-2 बॉयल आने तक देखें। स्पैचुला पे हम इस तरह से फिंगर लगा के देखेंगे। बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है। कॉर्नफ्लोर वाला दूध हमारा रेडी है, बेस हमारा आइसक्रीम का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको करना है और 1-2 बॉयल आने तक हमें वेट करना है। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1-2 बॉयल आने तक कुक करना है। ये देखिए 1-2 बॉयल आ गया है। बस इसी तरह से हमें इसे 1-2 बॉयल आने तक कुक करना था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप शुगर। जो हमने शुगर ली है ना, हाफ़ कप शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप हमने जो मिल्क पाउडर लिया है ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर को आप चाहो तो थोड़े से दूध में अलग से घोल के भी डाल सकते हो, उससे लम्प्स नहीं पड़ते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही डाल लिया है। तो इसको अब मुझे थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। और गैस का फ्लेम हमने एकदम लो कर रखा है और लो फ्लेम पर ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉयल तो हमारा आ चुका है दूध में, बस हमें शुगर और मिल्क पाउडर के मेल्ट होने तक इसको मिक्स करना है। अच्छे से स्मूथ टेक्सचर आ गया है। अब इसे हम गैस से उतार देंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जैसे ही बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। बैटर हमारा ठंडा हो गया है और अब इसमें हमने ये जो हाफ़ कप फ्रेश मलाई थी ना, वो मिक्स कर ली है। साथ ही एक हैंड ब्लेंडर से, बीटर से इस तरह से अब हम अपने इस बैटर को बीट करेंगे। बहुत अच्छे से स्मूथ करने तक हमें इसे बीट करना है और ये हमारा बैटर बहुत स्मूथ सा टेक्सचर में आ जाएगा जैसे आइसक्रीम के लिए चाहिए। ये हमारा आइसक्रीम का बेस बनके तैयार है। इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस, क्योंकि आज हम वनीला फ्लेवर की ये आइसक्रीम बना रहे हैं। आप चाहो तो इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हमने वनीला आइसक्रीम बनाई है। तो ये स्मूथ सा बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक एयर टाइट बॉक्स में और इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में हमने सारा बैटर फिल कर लिया है और इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में हम इसको सेट होने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 8 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में ही रखना है और 8 घंटे कम से कम इसको छोड़ना है हमें फ्रीज़र में। देखिए 8 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट होके तैयार है। ये देखिए एक स्कूप की हेल्प से इस तरह से मैंने आइसक्रीम निकाल ली है। और इस तरह से फ्रेंड्स, कितनी जल्दी और हमारी क्रीमी सॉफ्ट वनीला आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने विदाउट एनी व्हिप क्रीम, कोई क्रीम यूज़ नहीं की है, कुछ यूज़ नहीं किया है। घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने स्मूथ सी टेक्सचर वाली हमारी वनीला आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।